इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने निशाना साधा है मीतू सिंह पर। आखिरकार क्या है वजह, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। हम सभी ये बात जानते हैं कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ दिया था और उस घर को छोड़ने के बाद वहां पर मीतू सिंह आ गई थी और मीतू सिंह वहां पर 8 से 12 तारीख तक रही थी जिस हिसाब से हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर रिया चक्रवर्ती 13 तारीख तक का नाम ले रही है कि मीतू सिंह जो है वो सुशांत के घर पर 8 तारीख से लेकर यानी कि 8 जून से लेकर 13 जून तक उन्हीं के घर पर थी। पहले आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि सुशांत के कहने पर ही उन्होंने उनके घर को छोड़ा था क्योंकि उनकी बहन मीतू सिंह आने वाली थी। वेल, यही एक कारण था जिसकी वजह से वो अचानक सुशांत के घर से चली गई थी। लेकिन इस बीच क्या हुआ, 8 जून से लेकर 13 जून के बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से सुशांत ने सुसाइड कर लिया? क्योंकि सुशांत मेरे साथ जब तक रह रहे थे तब तक ठीक थे। कोई भी मीतू सिंह से ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि आखिरकार 8 से 13 जून के बीच में क्या हुआ था? और उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत इतने ही बीमार थे या मीतू सिंह को पता है कि वो मेंटली इतना ज्यादा परेशान थे या वो डिप्रेशन में थे या वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी तो फिर वो उन्हें छोड़ के अकेला क्यों गई? अगर वो जानती थी कि उनके भाई की तबीयत ठीक नहीं है तो फिर उन्होंने उनको छोड़ के क्यों गई? ऐसा क्या उन्हें जरूरी काम था जो उनके भाई से भी ज्यादा उनके लिए जरूरी था? कोई मीतू सिंह से क्यों नहीं ये सवाल पूछता है? मैं आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू के दौरान रिया चक्रवर्ती ने इन सभी सवालों को खड़ा किया है कि मीतू सिंह से आखिरकार इस बारे में पूछताछ क्यों नहीं होती, मीतू सिंह इस बात के बारे में जवाब क्यों नहीं देती। क्या आप लोगों के मन में भी ये सेम सवाल आते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बन रही चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस।